नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी सहेली चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी फ्राई। ये रेसिपी जो है 15 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो जाती है। इसे आप रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब एक एक करके भिंडी को अच्छे से हमें सुखा लेना है। भिंडी फ्राई बनाते समय इस चीज़ का खास ध्यान दें कि सब्ज़ी जो है पूरी सूखी होनी चाहिए। चलिए अब हम भिंडी को चॉप कर लेते हैं। भिंडी को काटते समय उसकी जो ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे का भाग है, इसे अच्छे से कट कर लें। या तो आप भिंडी को सीधे सीधे काटें या इस तरह से टेढ़ा भी काट सकते हैं। मैं हमेशा सब्ज़ी सीधे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से आपको काट के बताती हूँ। तो इसे कहते हैं डायगोनल कटिंग। ये देखिए इस तरह से आप सिंपल भी कटिंग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दें कि उसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला ना काटें। इस तरह से एक एक इंच के साइज़ का आप कट कर दें। भिंडी काट के तैयार है। चलिए अब बनाते हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 1 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून राई। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, ये जो कढ़ाई है ये काफ़ी काली सी लग रही है। वो इसीलिए है क्योंकि मैंने इस बार आयरन की कढ़ाई ली है। अब मैंने ऐड कर दिया है कटे हुए भिंडी और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक धीमे आंच पर पका लें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, जिसे कहते हैं ड्राई मैंगो पाउडर। आप या तो आमचूर पाउडर ऐड करें या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है इसीलिए मैं इसमें नींबू का रस ऐड नहीं करने जा रही। आमचूर पाउडर मिलाने के बाद इसे 5 मिनट तक धीमे आंच पर इसी तरह से पका लें। दोस्तों याद रहे, बीच बीच में हमें सब्ज़ी को चलाते रहना है वरना ये जल जाएगी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों हो सके तो आप भी कुछ कुछ सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाएं। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने से उसकी जो पौष्टिकता है, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे मसाले जो है ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ध्यान रहें क्योंकि हमने मसालों को अभी मिलाया है, गैस को धीमे आंच पर ही रखें और सब्ज़ी को 5 मिनट तक इसी तरह से पकने दें। सब्ज़ी जो है 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आप गैस को ऑफ़ कर दें, लेकिन सब्ज़ी को लोहे के कढ़ाई पर ही रहने दें क्योंकि वो इसी समय कुरकुरी बन जाती है। आप चाहे तो उसे ऊपर से एक ढक्कन लगाकर ढक कर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बस 15 मिनट में भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें।